अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां रेवांचल बस स्टैंड का जीर्णोद्वार कार्यक्रम चल रहा था। नगर निगम के द्वारा बस स्टैंड के अंदर फर्श और अन्य कार्यों को पूर्ण कराए जाने के बाद लंबे अंतराल के बाद पुनः पुराने बस स्टैंड को सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया। रविवार को नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा बस स्टैंड से सतना, सिमरिया, सिरमौर, कटनी, मैहर, अमर पाटन की तरफ जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान काफी संख्या में व्यापारी और बस संचालक मौजूद रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से बस स्टैंड के बंद रहने के चलते व्यापारियों की हालत खराब हो चुकी थी। वहीं बस संचालक और व्यापारी बस स्टैंड के पुनः शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आइए सुनाते हैं बस स्टैंड से यातायात बहाल होने के बाद नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा। बाद में ये ना हो कि आपने हमको ये बोला था और ये और एक ये 100 रुपए की स्टाम्प में ये लिखित थे संबंधित कि हम स्वयं के बस स्टैंड में नए कार्य को उद्घाटन किया गया है। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, अभी कुछ सुधार? देखिए अभी ये क्या था, ये जो अपना पुराना रेवांचल बस स्टैंड था, इसमें जो प्राइवेट बस स्टैंड का एरिया था बड़ा जर्जर था। इसके निविदा बुलाई गई और निविदा करके इसका फर्शीकरण किया गया। यहाँ पर जो हमारी क्षेत्र सूत्र सेवा है, सूत्र सेवा नगर निगम के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत चलाई गई है, उसको भी खड़ी करने की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। और जो रीवा सिमरिया सतना की बसें हैं वो इधर से चलेंगी डीएसपी ट्रैफिक और जबलपुर की, और डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई है कि जिससे जाम की स्थिति निर्मित न हो। शहर में बसों के कारण और छोटे छोटे ऑटो ऑटो के कारण जाम की बहुत स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण समस्याएं हो रही हैं। उस समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। और ये जो बस स्टैंड की जर्जर बिल्डिंग है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में भी DPR तैयार करवा रहे हैं, इसको भी व्यवस्थित कर रहे हैं। ये है कि ये रेवांचल बस स्टैंड हमारा बहुत पुराना बस स्टैंड है, शहर के मध्य का है, बड़ा एरिया है, ये व्यवस्थित हो जाए। रीवा में सबसे पुराना बस स्टैंड रेवांचल बस स्टैंड है, इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई गेट नहीं है अभी तक इसमें, तो क्या इसके लिए भी कुछ था? असल में अभी व्यापारियों से मेरी बात हो रही है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जर्जर दुकानें हैं अगर इसको हम पूरा डिसमेंटलिंग करके बनाएंगे तो नए FAR में जगह ही नहीं बचेगी। हमारी कोशिश है कि जो जर्जर दुकानें हैं उनको उनसे कह के और सक्षम व्यवस्था बनाकर उसी रूप में थोड़ी नए ढंग से जितना पैसा उन वो देंगे उतना उसका निकलवा कर जो उसका लागत आएगी उस लागत में उनको बनाकर व्यवस्थित करने में लगे कि ये बस स्टैंड ऐतिहासिक है, पुराना बस स्टैंड है, ये इस संरक्षण में रहा है। यात्री प्रतीक्षालय में भी काफ़ी अव्यवस्था, उसका टेंडर करवा दिया है, लाइट का टेंडर हो गया है, पुताई का हो गया है। जैसे ही लाइट की टेंडर खुलेगा तो पंखा उनका लाइट वाइट सब बन जाएंगी और टेंडर हो जाएगा, उसका पुताई हो जाएगी। अभी कुछ हम आपको ये भी आप बोल रहे थे कि इस बस स्टैंड को हटाया जा रहा है यहाँ से, और ये जो लोग इसको हटा रहे थे उनको जनता ने महापौर नहीं बनाया, बस स्टैंड यहीं रहेगा। नए बस स्टैंड बनते हैं, शहर की आबादी बढ़ती तो नए बस स्टैंड बनते हैं, पर पिकअप बस स्टैंड नहीं ख़त्म होता। ये अगर रहेगा तो पिकअप ही रहेगा। आज भी बस स्टैंड ये पिकअप की स्थिति में ही है, रहेगा तो बस स्टैंड यही रहेगा, नए बनते रहेंगे।